आज हम सर्दियों का एक ऐसा स्पेशल हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे स्वाद और सेहत दोनों ही भरपूर हैं, और ऐसा हलवा जिसे आप एक बार बनाकर महीनों तक खा सकते हैं। तो जो आपकी सेहत के, जैसे कि हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और बहुत सारी परेशानियों को दूर करेगा। तो चलिए तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम हलवा तैयार करने वाले हैं उसके लिए हमने पैन रख दिया है गैस पर, लो हीट पर, और इसके लिए हमने लिया है मखाना। एक कप मखाना लिया है और ग्राम में ये 50 ग्राम मखाने हैं। तो मखानों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी हम इसमें घी का यूज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, और लो टू मीडियम हीट पर 4 से 5 मिनट हमें मखानों को ड्राई रोस्ट करना है, जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो मखाने बहुत ही हेल्दी होते हैं। मखानों में प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है और मखाने का हलवा आप ये यूज़ करते हैं, लेते हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। हार्ट पेशेंट के लिए भी ये हलवा बहुत अच्छा है। तो देखिए, मखानों में हल्का सा कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो हल्का सा ये क्रिस्प भी हो गए हैं और इसमें कलर भी चेंज हो गया है। मखाना कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको भी कम करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी मखाना बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए मखाना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। तो देखिए, मखाना जब भुन चुका है, अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर ले रही हूँ बादाम। तो मैंने 1/4 कप बादाम लिए हैं। अगर हम इन्हें काउंट करते हैं तो करीब 20 से 22 बादाम हैं। तो बादाम हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, दिमाग के लिए, और सर्दियों में अक्सर हम बादाम खाते ही हैं। तो ये हलवा अगर हम इस तरह से लेते हैं तो बहुत हेल्दी हलवा है। तो बादाम को भी हमने बिना घी के ही रोस्ट किया है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए बहुत हल्का सा इसको भूनेंगे। तो देखिए, बादाम भी यहाँ पर हल्का सा कलर बादाम में आ चुका है, और क्रिस्प करना है हमें बादाम को। तो ये भी भुन चुके हैं, तो इसको भी हम मखाने वाली प्लेट में ही निकाल लेंगे। तो ये बादाम और मखाने दोनों भुनने के बाद अब हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हलवा बनाने के लिए मैंने उसी पैन को वापस से गर्म किया है, और इसमें डाला है 1/2 कप गेहूं का आटा, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। बेसन की जगह पर आप चने का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। हम इसे भी लो टू मीडियम हीट पर ही भूनेंगे। तो ये आज जो हम हलवा तैयार कर रहे हैं ना, हम इसका प्रीमिक्स तैयार करेंगे, जिसे आप पूरा 1 महीना भी स्टोर कर सकते हैं। बस जब आपको हलवा बनाना होगा, आप इसे निकालेंगे, हलवा तैयार करेंगे, और आपका हलवा 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये जो आज हम हलवा तैयार कर रहे हैं, जैसे हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द के लिए है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, हम जो आटा भून रहे हैं उसमें बहुत हल्का सा कलर आ गया है, और चलाने में भी ये बहुत लाइट हो गया है। जब हम स्टार्टिंग में इसे भूनना शुरू करते हैं तो काफ़ी टफ लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत लाइट हो जाता है, और हल्का सा इसमें यहाँ पर कलर भी आ चुका है, बहुत ही हल्का कलर आ गया है। देखिए ये इस समय पर तो लाइट गोल्डन कलर इसमें आ चुका है, और जब ये इस कलर में आ जाता है तो हम इसमें एक चीज़ और मिक्स करने वाले हैं, जो गले की खराश के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो अब हम इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर। ये अदरक का पाउडर है, जो ड्राई जिंजर पाउडर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। तो 1 चम्मच हमने इसे यूज़ किया है। तो अब इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, तो इसे भी हम आटे के साथ ही भून लेंगे। ये दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है, जोड़ों के दर्द के लिए। तो करीब आटे को हमें 3 से 4 मिनट भूना है, और इसी में इसका कलर बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो चुका है। तो आटा हमारा भून चुका है इस समय पर, और अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, इसमें गोल्डन कलर आ चुका है आटे में। तो एक हेल्दी वर्जन के लिए हमने इसे गेहूं के आटे और बेसन से तैयार किया है। आटे को हमने प्लेट में निकाल लिया है, और इसको भी हम ठंडा कर लेंगे।
तो जो हमने मखाने और बादाम लिए थे वो भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसको आप दरदरा भी रख सकते हैं, पर हम इसका पाउडर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर पीस लिया है इसको, बिल्कुल पाउडर हो गया है। तो अब इसे भी हम उसी आटे में, गेहूं का आटा और बेसन जो हमने भुना था उसी में मिक्स कर देंगे। तो इसको हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। देखिए मिक्स करने के बाद अब हमारा जो प्रीमिक्स है, हलवा प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम एक जार में भर लेंगे और एक महीने तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। हम इसे फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं तो भी ये खराब नहीं होता है, क्योंकि हमने कोई पानी का यूज नहीं किया, इसमें बिल्कुल घी नहीं डाला है, इसीलिए ताकि ये खराब ना हो और लंबे समय तक आप स्टोर कर सकें। तो पूरी सर्दी आप डेली आप इस हलवे को लें तो बहुत जल्दी आपको फायदा नजर आएगा, हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए। आजकल बच्चों के शरीर में बहुत दर्द होने लगा है, उनमें बहुत सारी कमियां आती हैं, क्योंकि उनकी डाइट हेल्दी नहीं होती है, वो बहुत जंक फूड खाते हैं। तो इस तरह से जंक फूड से भी बचेंगे और एक हेल्दी वर्जन भी होगा। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं इसका हलवा। तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें आज इस हलवे को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप गुड़। तो आप इसके लिए चीनी भी यूज कर सकते हैं, पर गुड़ ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। 1 कप गुड़ में मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है और इसको हम उबाल लेंगे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमें केवल इस गुड़ को घोलना है और इसमें एक उबाल देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की हलवे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत सारी रेमेडीज आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेमेडीज हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। तो देखिए उबाल आ चुका है, इसे हम उतार लेते हैं। और एक बार फिर से हमने पैन को गरम किया है। जो हलवा प्रीमिक्स हमने तैयार किया था ना, वो 1 कप हमने इस पैन में डाल दिया है और हल्का सा हम इसे भूनेंगे, लेकिन अब भूनेंगे हम इसे घी के साथ। तो यहाँ पर मैंने अभी लिया है 1/2 कप घी, उसका भी आधा मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 चम्मच घी इसमें मिक्स किया है और अब हम इसे घी के साथ लो हीट पर भून लेंगे। इससे क्या होगा, ये घी के साथ अच्छे से मिलजुल जाएगा और जो हमारा घी कच्चा है ना वो भी अच्छे से भून जाएगा। तो घी भी बहुत अच्छे से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी है, जो बच्चे और बड़े सभी इसे ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा कि आपको रोज झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक प्रीमिक्स तैयार कर लें और बस फटाफट हलवा तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा मेरी घी की बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में आ रही है और बहुत ही हेल्दी है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं काटकर, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए इसका कलर देखिए हल्का सा और भुन गया है और घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम घी हमने और इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि घी की अब इसमें और ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने एक छलनी ली है और अब हम गुड़ का जो सिरप तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। इस समय पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि आटा गर्म होता है ना तो बहुत बबल्स आते हैं, तो जलने का एक डर रहता है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हम इसे छान इसलिए रहे हैं, गुड़ काफी गंदा होता है, उसमें काफी इंप्योरिटीज होती हैं, तो उसको छान कर ही हम यूज करते हैं। तो देखिए इस तरह से, तो जो आप इसका जो माप है सही आप लें, 1 कप आटा, 1 कप गुड़ और 2 कप पानी, तो इससे हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है। तो गैस हम ऑन कर लेते हैं इसको और अब हम इसे 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो हम इसे ढक देते हैं इस समय पर 2-3 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से पक। तो
ढककर पकाने के बाद देखिए अब हमारा हलवा अच्छे से हम इसे भून लेंगे। तो हलवे की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हलवे को पतला रखूंगी, क्योंकि जो हलवा पतला होता है ना, शीरा टाइप होता है, तो वो बहुत हेल्दी होता है, गले के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर खांसी जुकाम है, कोल्ड है, तो उसमें भी आप ये हलवा तैयार कर सकते हैं। और ये गरम गरम हलवा जो होता है शीरा, वो बहुत हेल्दी होता है, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है बजाय थोड़े से थिक हलवे के। तो यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म हलवा तैयार हो गया है, जो बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस हलवे को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सर्दी में आप पूरी सर्दी आप इसे खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो घी की क्वांटिटी और भी कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटिक है तो घी की क्वांटिटी और भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है, तो ये ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है ना, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की और एक नई वीडियो के साथ।